बालाघाट प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि यह शिविर बालाघाट जिले में समनापुर ग्राम में संपन्न हुआ, जहां गत दिवस पर सत्संग, गान, ध्यान व महाप्रसाद कर 3 फरवरी को समापन हुआ, जहां शिविर में शामिल साधकों ने अपने अनुभव में बताया कि इस कोर्स के माध्यम से एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, निर्णय लेने की क्षमता में विकास, संबंधों में मधुरता, उच्च कार्य क्षमता और ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता में विकास, परिस्थितियों और व्यक्तियों से निपटने की कुशलता एवं विचारों में स्वच्छता, शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से लड़ने की शक्ति। हमें विशेष तौर से सुदर्शन क्रिया व ध्यान प्राणायाम सिखाया गया, जो कि बहुत ही प्रभावी है। हमारे शरीर के सभी विषैले पदार्थ श्वास द्वारा शरीर से निकल जाते हैं। यदि हम अपने शरीर से अधिक मात्रा में शारीरिक व भावनात्मक तनाव निकालेंगे तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल सकता है। साधकों ने तनावग्रस्त व शारीरिक तौर पर अस्वस्थ जीवन जीने वालों से आह्वान किया है कि जिंदगी को बदल ले और स्वयं में बदलाव लाने के लिए वे एक बार आर्ट ऑफ लिविंग की हैप्पीनेस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। जिंदगी में परिवर्तन की नई ऊर्जा लेकर जीवन जीने का आनंद ही आनंद मिलेगा। अध्यात्म हमारी धरोहर है और हमने यदि इसका प्रयोग कर लिया तो हम अपने जीवन के मूल्यों को पा सकते हैं। शिविर में शामिल हुए प्रशिक्षणार्थियों की मांग पर पुनर्यह आनंद अनुभूति शिविर प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में आगामी 27 फरवरी से 4 मार्च तक ग्राम पंचायत सामनापुर में सुबह 6 से 9 बजे तक पुनर् किया जाएगा। साथ ही बहर में 7 फरवरी से आनंद अनुभूति शिविर प्रारंभ होगा, जिसके प्रशिक्षक भानु प्रताप खंडे होंगे। शिविर के समापन पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ने कहा कि हम सभी का उद्देश्य हिंसा मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला से लोगों को परिचित कराना है। यह संकल्प हम सभी का होना चाहिए, जिसे आज मिशन के रूप में श्री श्री ने पूरे विश्व के 180 से भी अधिक देशों में चलाया जा रहा है और इसके मूल में खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कराना है। नमस्कार, आज हमारे समनापुर में आर्ट ऑफ लिविंग का आनंद अनुभूति शिविर संपन्न हुआ। बहुत लोगों ने यहाँ लाभ लिया और फिर से यहाँ पर सभी साधकों की मांग पर पुनः 27 फरवरी से हैप्पीनेस प्रोग्राम होगा। उसके पहले हमारे बालाघाट शहर में 20 फरवरी से 25 फरवरी तक हैप्पीनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है। योग हमारी 5000 वर्ष से अधिक पुरानी संस्कृति है, जिसे आज सारे विश्व ने अपनाया है। हम सब लोग भी इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और अपने जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनका हम पूरे आत्मविश्वास से सामना कर सकें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें, हम शारीरिक रूप से मजबूत हों। योग में ये सब कुछ समाहित है, तो योग संस्कृति को अपने जीवन, दैनिक जीवन में उतारने के लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग के होने वाले हैप्पीनेस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। 20 फरवरी से सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक नगर पालिका सभागार में होगा, तो जो भी करना चाहें वे आर्ट ऑफ लिविंग सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं या सीधे हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी पहुंच सकते हैं। नमस्कार। एनबीसी न्यूज के लिए बालाघाट से आशीष भगत की रिपोर्ट।